जय हिंद जय हिंद माय डियर पीपल्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विथ मी एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू फर्स्ट टाइम ज्वाइन विथ मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही झांसू है, बहुत तगड़ादार है। आप से जितना प्यार देते हैं प्यार देते रहें, और आप नए नए लोगों तक भी कन्विंस करें, ताकि उन लोगों भी की भी जो क्या हो इंग्लिश सीख सके, ताकि जो मन में जो लोग को फोबिया है, जो डर है, जो फियर लोगों में बैठा है, उस फियर को हटाना है। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टे विथ मी एंड और क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, ताकि सब सीख सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। कह रहा है मैच वर्ड्स, अर्थात वर्ड को मिलान करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डिफेंस का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, बैंक का हो, अर्थात हर कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक बच्चे सबके लिए फ्रूटफुल क्लास होगा। कहता है फिल अप द गैप्स इन द फ्लोइंग पीयर्स ग्रुप्स। कह रहा है कि गैप जो खाली दिया गया है जो ग्रुप में हो, उसे क्या करना, भरना है सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द राइट वर्ड्स एज गिवेन द ब्रैकेट। अर्थात जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके अनुसार सही तरीके से भरना है। देयर आर मैचिंग नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर द गैप्स। क्या करना, सही तरीके से मैच कराना है, मिलाना है। आज हम सबको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। सबको आप अधिक से अधिक लोग तो फैलाइए, ताकि सब सीख सके। फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, ऑप्शन दो होगा। कहता है ही लुक्ड डैश आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। दूसरा कहता है आई ब्राउट अ डैश ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ऑप्शन दो दिला है पेल पी एल ई पी ए आई एल। बहुत कन्फ्यूजन वाली है, कन्फ्यूजन वाला है। तो आदमी जब भी बीमार पड़ेगा तो उदास होगा, फीका होगा, इसलिए पहला के लिए पी एल ई होगा। पेल, पेल मैंने होता उदास। ही लुक्ड पेल आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। वह लंबी बीमारी की वजह से वह क्या उदास दिखाई दिया, या ये भी कह सकते कि ही लुक्ड वह दिखाई दिया उदास लंबी बीमारी के बाद। अगला इसी का आई ब्राउट अ पेल ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो पेल के मतलब होता है पी आई एल, इसका मतलब होता है बाल्टी, बाल्टी कहिए या पात्र कहिए जिसमें पानी को भर सकते हैं। अब पी एल मैंने क्या होता है उदास, पी एल। तो आज अब समझ में आ गया होगा कितना कन्फ्यूजन वाला था। ही लुक्ड पी एल पी एल आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। दूसरा कह रहा है आई ब्राउट अ पी आई एल ऑफ वाटर फ्रॉम द, तो इसमें हो गया पी आई एल और पार्ला में हो गया पी ए एल ई। आज अब सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ही बदर्ड डैश फॉर एनी ऑफ अस। दूसरा कहता है हिज प्लान्स केम टू डैश ही फेल टू अनटाई द। जो तीन ऑप्शन है, नॉट है, नॉट है, नॉट है। सबसे पहले तो पहला का देखते हैं ही बदर्ड। सबको मालूम होगा कि बदर्ड के मतलब होता है तंग करना, तंग हो जाना, इधर आओ तंग। ही बदर्ड नॉट फॉर एनी ऑफ अस। कह रहा है कि उसे हम में से कोई क्या किया, तंग नहीं किया, अर्थात हमारी विफल रहा प्रयास, इसलिए पहला में होगा नोट। किन्हीं को अगर कोई डाउट है
तो हमारा नंबर 8789509272 है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल का अलाउड नहीं है, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से, कुमार चितरंजन एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ही करें ही बदर्ड नोट फॉर एनी ऑफ अस, उसे हम में से कोई तंग नहीं किया, इसलिए नॉट आ गया। नेक्स्ट कह देते हैं हिज प्लान केम टू, उसकी जो योजना आया, तो नॉट NUGST, नॉट का मतलब होता कुछ नहीं। तो कह रहा है हिज प्लान, उसकी योजना जो आया उसमें कुछ नहीं था, अर्थात उसकी योजना में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, ये कह सकते हैं। इसलिए NUGST, पहला में हमने नॉट देखा, दूसरा में नॉट देखा, तीसरा में कह रहा ही फेल टू अनटाई, वह सफर है। देखेंगे आप जानते होंगे टाई मैंने बांधना होता है, जैसे गला में टाई बांधते हैं तो फीता बांधते हैं, अनटाई मैंने नहीं बांध पाया। तो ही फेल टू अनटाई द नॉट, नॉट मैंने क्या होता है गांठ, अर्थात जो टाई होता है उसमें बांधने में क्या रहा, असफल रहा, इसलिए नॉट, KNOT, नॉट मैंने गांठ। आइए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला की ओर बढ़ते हैं, सब ध्यान से समझेंगे, अब जुड़ रहे हैं, अपना कमेंट भी करते रहें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और अधिक से अधिक अपने दोस्त तक फैलाएं, ताकि जो इंग्लिश है, जो मेरा फिलॉसफी है, इंग्लिश मेड बाय इजी फॉर यू, इंग्लिश इज मेड इजी फॉर यू, हमारी जो फिलॉसफी है उस पर आप अडिग रहिए। अगला कहता है 11-11 है, वर इंजर्ड इन द माइंड, खदान की बात कर रहा है, कह रहा है कि इंजर्ड हुए हैं लोग, वाच प्लस वर्ब थ्योरी है। अगला कहता है राजेश इज डैश सो ही कांट वोट, तो पहला में होगा 11 minors, तो MINERS खदान, MINERS इसका मतलब होता है खदान। कह रहा है 11 minors MINERS वर इंजर्ड इन द माइन, क्या 11 खदान में क्या हो गया है, जो जख्मी हो गया है, इसलिए माइनर्स, माइनस मैंने खदान हो गया। राजेश इज ए माइनर, माइनर मैंने क्या था छोटा, छोटा जिसका उम्र 18 से कम, करा कि राजेश इज ए माइनर, MINOR, और राजेश छोटा है, इसलिए ही कांट वोट, और वोट नहीं दे सकता। तो याद रखेंगे MINER माइनर्स मतलब होता है खदान, जो किसी चीज को निकलता है, और MINOR मैंने होता है ए से रिलेटेड, छोटा बच्चा या छोटा कहिए। आज अब समझ में आ गया होगा। नंबर 4 कहता है MAIL, मेल मैंने जानते होंगे आप लोग, भेजना उजना होता है, मेल नहीं कहते, मेल कर दिया हमने, जैसे आप लोग जानते होंगे मेल भेजना, और MAIL मेल मैंने होता पुरुष व्यक्ति। तो कह रहा है ही रिसीव्ड 3 letters इन द मेल, तो मेल होगा यहाँ पे MAIL, क्योंकि मेल में आदमी प्राप्त नहीं होगा, मेल में क्या होगा, ओ लेटर प्राप्त होगा, तो MAIL हो गया मेल। ऑल द मेल मेंबर्स, यहाँ हो गया MAIL, ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली वर स्लीपिंग, परिवार के जितना भी सदस्य क्या सो रहे थे। तो फर्स्ट में हो गया MAIL, सेकेंड में हो गया MAIL। आज हो सबको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज वाला है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, ताकि आप इजीली कर सकें, क्योंकि हर एक प्रश्न उतना ही जटिल होगा, लेकिन हमारे द्वारा आपको आसान भाषा में बताया जाएगा, ताकि आपको जो मन में जो फोबिया है, जो डर है, वो बाहर निकले। अगला कहता है, समझेंगे पहले मीनिंग, MARY, मेरी मैंने होता है, अर्थात मैरी मैंने क्या होता है, खुशी। देखिए MARY मैरी मैंने होता है शादी उदी, शादी का जो माहौल होता है, शादी।
तो कहता है द डैश क्राउड डांस्ड एंड सैंग फोल्क सॉन्ग। फोल्क में क्या होता है, लोकगीत। कहाँ कोई खास था गीत को, लोकगीत कहिए। सी विल डैश हर क्लासमेट, तो पहला में होगा क्योंकि क्राउड डांस कर रहा है, इसलिए MERRY द मेरी क्राउड डांस, अर्थात खुशी से भीड़ ने नाचा और गाया क्या है, लोकगीत को। दूसरा में होगा सी विल मैरी MERRY, वह अपने दोस्त की क्या करेगा, शादी करेगा। चलेंगे तो समझ में आ गया, आई होप। नेक्स्ट प्रश्न, सब ध्यान जुड़ रहे हैं। अगला कहता है हिज ट्राउजर्स आर, दूसरा कहता है आई डोंट वॉन्ट टू डैश दिस मैच। तो याद रखेंगे आप लोग, लूज मैंने ढीला होता है, LOSE लॉस मैंने खोना होता है। तो हिज ट्राउजर्स आर लूज होगा, ढीला है ना, हिज ट्राउजर्स आर लूज, उसका ट्राउजर ढीला है। अगला कहता है आई डोंट वॉन्ट टू लूज, क्योंकि 2+V1 है, इसलिए आप यहां से समझ सकते हैं तो LOSE आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस मैच, मैं इस मैच को खोना नहीं चाहता हूं। तो आज अब समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग जुड़ रहे हैं, इजीली हो जाएगा। कहता है ही ऑन ए गोल्ड डैश इन हॉकी, डोंट डैश इन आवर अफेयर्स। तब फिर मैं जाते हो कारोबार, कारोबार तो पहले समझ जाएंगे, मेडल में इनाम होता है जो हम लोग जीतते हैं मेडल, और MERRY इसका मतलब हस्तक्षेप करना, रोकना, रोकना या हस्तक्षेप करना, तो हो गया वी ऑन ए गोल्ड मेडल। MERRY क्या होगा, MERRY जीतेगा ना, MERRY जीत गया, MERRY ही ऑन ए गोल्ड मेडल इन हॉकी, वह हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। डोंट मेडल इन आवर अफेयर, हमारे कारोबारों में क्या करो, बाधा ना डालो। MERRY हो गया निचला में, MERRY। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं। कहता है पहले देखेंगे मीनिंग, LOO अर्थात LOAN है, तो LOAN लोन मैंने पागल हो गया, और LOAN से बना हुआ है, LOAN होता है अकेला होगा, जैसे आप जानते होंगे टुमारो TOMORROW और इतना भी देंगे MORROW, तो वो भी होता कल ही। उसी तरीके से क्या है, लोन LOAN जो कि अकेला है, LOAN लोन जो पागल है, समझेंगे। दे बाउट ए हाउस ऑन, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग इसको लोन पागल नहीं लिखी, इसको लोन में लिखिए उधार ले दीजिए, एक और देता तो उधार ले जाइए इसको, ताकि और क्लियर होगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसलिए यहां पे पागल काट दीजिए, LOAN कैसे समझे, उधार समझिए आप। तो कह रहा कि दे बाउट ए हाउस ऑन लोन, लोन है, वो कह रहा है कि वे लोग
ये घर को उधार खरीदा तो ये लोन हो गया। ही वॉज द लोन सर्वाइवर इन द मिसर, मिसर पे घटना होता है, दुर्घटना होता है, तो ही वॉज द लोन, वह अकेला सर्वाइवर बचा था जो घटना हुआ में उसमें कई लोग जान गया, वह अकेला बचा, इसलिए हो गया ये लो एनी। याद रखेंगे पालका भराया ये लो एन, ताकि लोन माने जो लोन होता है जो उधार लेते हैं, और दूसरा में भराया था ये लो एनी, लोन माने अकेला वाला। अगला है अब याद रखेंगे दो मीनिंग, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मैंने क्या होता है तोप, तोप या युद्ध की सामग्री, और एक होता है ऑर्डिनेंस जो नियम बनाता है गवर्नमेंट ने, तो ओ आर डी आई एन एन सी ऑर्डिनेंस नियम, ओ आर डी एन एन सी ऑर्डिनेंस तोप। अब इसको समझते हैं, द प्रेसिडेंट प्रोमुलगेटेड अ न्यू डैश यस्टरडे, तो प्रोमुलगेटेड के मतलब होता है नियम बनाए अर्थात प्रख्यापित नियम कर रहा है, द प्रेसिडेंट प्रोमुलगेटेड न्यू ऑर्डिनेंस, क्या एक नियम को लाया है, इसलिए पहला में होगा ओ आर डी आई एन ए एन सी, क्या किए हैं राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस को, एक नियम को लाया है, और दूसरा होगा दे वर्क इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओ आर डी एन एन सी ऑर्डिनेंस मैंने होता है तोप या युद्ध बनाने वाली सामग्री के फैक्ट्री में। आज जो नाइन समझ में आ गया होगा, अब शुरू से हम तक बंद रहे, अधिक से अधिक लोग तो फैला दें ताकि सबको समझ में आ जाए। अगला की अगर बात किया जाए तो पी ए आई एन, पेन उन्हें जानते होंगे आप लोग, तकलीफ या कष्ट होता है, लेकिन एक और पेंस की अगर बात किया जाए तो खिड़की का शीशा होता है, खिड़की का शीशा, इसलिए देखते हैं द विंडो डैश वर ब्रोकन बाय ए बॉल, जाहिर सी बात है कि पी एन एस होगा, खिड़की की क्या हो गया शीशा टूट गया था बाय ए बॉल, बॉल से खिड़की का शीशा टूट गया था। अगला कह रहा है ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन, वो क्या है पीड़ित है तकलीफ से इन द स्टोमेक, स्टोमेक दर्द से क्या था वो पीड़ित है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इट्स योर ड्यूटी या फिर कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक तक लोग फैलाएं, ताकि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कन्फ्यूजन को दूर हो सके, क्योंकि इतना कन्फ्यूज मीनिंग है आपने देखा भी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।